उत्तराखंड की हरिद्वार पुलिस ने बुधवार को कावड़ मेले के दौरान दो नशा तस्करों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने तस्करों से बड़ी मात्रा में गांजा बरामद किया है। ये मामला हरिद्वार की ज्वालापुर कोतवाली थाना क्षेत्र का है, जहां पुलिस ने कावड़ मेले के दौरान दो गांजा तस्करों से गिरफ्तार कर उनके पास से लगभग 25 किलो गांजा बरामद किया है। फिलहाल पुलिस ने तस्करों पर NDPS एक्ट के तहत मामला दर्ज किया है। साथ ही पुलिस ने गांजा तस्करों को कोर्ट में पेश किया, जहाँ से आरोपियों को जेल भेज दिया गया है। मुखबिर से ऐसी सूचना मिली थी कि एक गाड़ी वैगनार है और उसमें कुछ संदिग्ध व्यक्ति हैं और संभवतः वो किसी संदिग्ध गतिविधियों में इन्वॉल्व हैं। इस सूचना पर थाने की पुलिस ने तुरंत पहुंच के मौके पर कार्रवाई की और धोतरा चौराहा जो थाना अंतर्गत आता है, वहां पे एक वैगनार गाड़ी खड़ी मिली, जिसमें तीन लोग बैठे हुए थे। जब उन तीनों व्यक्तियों से पूछताछ किया गया, उनको उनसे बात की गई, तो ऐसा उन्होंने अपना नाम मनोज, अभय और गोविंद बताया और उस गाड़ी में कुछ नकली नोट भी बरामद हुए। इनसे डिटेल में जब पूछताछ की गई तो इन्होंने बताया कि ये दिल्ली गए थे, वहाँ इनका एक साथी रोविन है जिसने एक व्यक्ति से इनको मिलवाया था, जो व्यक्ति संभवतः हरिद्वार का रहने वाला था और वो अपना नाम भगत जी के नाम से उसको लोग जानते हैं वहाँ पर। उस व्यक्ति ने इनसे कहा कि आप हमें 30,000 रुपये ओरिजिनल दीजिए और इसके बदले मैं आपको 1,00,000 रुपये डुप्लीकेट करेंसी दूंगा, और ये 1,00,000 रुपये लेकर वहाँ से आए थे और वो नकली नोट ये थाना क्षेत्र में लोगों को ये चलन में उसको उन्होंने डाल दिया था। इनके पास जो हमने रकम बरामद की है वो 6,400 रुपये जो नकली नोट बरामद किया गया है। साथ ही साथ इनके पास कुछ असली करेंसी भी थी और 3 मोबाइल फोन भी बरामद किया गया है। इनका इनमें एक व्यक्ति जो है गोविंद, उसके खिलाफ पूर्व में भी एक अभियोग पंजीकृत रहा है 306 IPC का। अब आगे की विधिक हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। न्यू वीडियोस की अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब करें इंडियन न्यूज को और बेल आइकन को दबाएं। ये है इंदू ब्रॉडकास्टिंग प्राइवेट लिमिटेड और आप देख रहे हैं इंडियन न्यूज़, हर पल हर क्षण हर सच।